नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN News। मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थापित व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर फिर से चालू हो गया है, जिसकी जानकारी व्हाइट टाइगर सफारी के संचालक ने दी है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थापित व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर फिर से चालू हो गया है। व्हाइट टाइगर सफारी के संचालक संजय राय खेड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि व्हाइट टाइगर सफारी को पुनः चालू किया गया है, जिसमें पर्यटक फिर से आनंद ले सकेंगे। वही उन्होंने आगे बताया कि लॉकडाउन की वजह से ये टाइगर सफारी बंद था, जिसके बाद संचालक ने ये भी बताया कि यहाँ पर लोग आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर आए, बिना मास्क के टाइगर सफारी पर ना आए। दर्शकों के लिए ये अच्छी खुशखबरी है कि व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर जिला सतना मध्य प्रदेश फिर से चालू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। नमस्कार, मैं संजय राय खेड़े, संचालक मुकुंदपुर जू। सभी पर्यटकों से एक महत्वपूर्ण सूचना आज मैं देना चाह रहा हूँ कि जैसा कि COVID-19 वायरस की वजह से 22 मार्च 2020 को कंप्लीट लॉकडाउन के की वजह से जू और सफारी बंद रही, लेकिन जैसे परिस्थितियाँ समान होती गई तो 28 जून को पहले जू ओपन हुआ सभी पर्यटकों के लिए। उसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी भोपाल महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में आज दिनांक को जू ओपन होना था, लेकिन संडे लॉकडाउन की वजह से हम इसको कल दिनांक 31 अगस्त 2020 से सभी पर्यटकों के लिए इसको ओपन कर रहे हैं। सभी पर्यटकों से मेरा एक अनुरोध है कि जो भी पर्यटक यहाँ इस कैंपस में आते हैं तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दिए गए निर्देशों का जू और सफारी परिसर में निर्देशों का पालन करें। सभी पर्यटकों से यह है कि सफारी में जो वाइट टाइगर हमारे पास है, सफ़ेद बाघ, रघु और वेंदिया है, इन दोनों को एक साथ देखकर, इस प्रकृति की इस अनुपम कृति को देखकर लाभ उठाएं, आनंद लें और सभी निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद।